हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, तो श्री गणेशाय नमः। जैसा कि मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी था, तो उसका ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा जो है 2 साल कंप्लीट कर चुका है फ्रेंड्स। और ये हमने अपने छोटे से घर पे अपना जो है अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी जो है हमने सेलिब्रेट किया। कितने अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा। देखिए कैसे हमने अपने मुंबई के इस छोटे घर में कैसे डेकोरेशन वगैरह कराकर अपना बच्चे का बर्थडे पार्टी किया है, और कितने लोग आए हुए थे मैं ये भी बताऊँगी। और ये देखिए मेरा बच्चा डांस कर रहा है, कितना मज़ा कर रहा है। उसे पता है कि उसका आज बर्थडे है, उसने खूब इंजॉय किया फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप वीडियो में, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ये उसके सारे फ्रेंड्स हैं। अब आप लोग सोचेंगे उसके फ्रेंड्स इतने बड़े कैसे हैं, तो हमारे फ्लोर पे जो बच्चे हैं इतने बड़े बड़े हैं और सब इसके साथ खेलते हैं, इसके साथ बहुत मज़ा करते हैं फ्रेंड्स। और ये भार्गवी के भी साथ खेलते हैं, तो ये देखिए कितना मज़ा कर रहा है मेरा बच्चा। तो ये हमने देखिए अपने छोटे से घर में ही डेकोरेशन करवाया हुआ है, और बस ज़्यादा नहीं, एक साइड में हमने बलून मतलब लगवाया हुआ था। और जैसा कि मेरे बच्चे को कार और फिश बहुत पसंद है, तो हमने कार और फिश वाला भी डेकोरेशन करवा दिया था। ये देखिए यहाँ मैं भी थोड़ा सा बोली कि चलो मैं भी थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है। और ये देखिए भार्गवी डांस कर रही है, वो तो बहुत डांस की फ्रेंड्स, बहुत डांस की, बहुत इंजॉय किया भार्गवी ने। और तक्षु ने तो इंजॉय किया ही किया। और ये देखिए मैंने ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि साड़ी पहनने का टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ मुंबई में, तो सारा जो है काम वाम देखना पड़ता है। तो उस दिन सारे गेस्ट लोग आने वाले थे, तो इसलिए मैंने सोचा साड़ी वाड़ी पहनने का झंझट मैं छोड़ दूँ और सूट पहन लूँ, तो सबसे बेस्ट रहेगा। काम वाम करने में भी जो है बिल्कुल फ्री रहता है ना, तो साड़ी पहन के। तो भाई, तो ये देखिए तक्षु को मैंने गोद में उठा के उसके साथ इंजॉय किया, खूब मज़े लिए खूब। और यहाँ पे सब आए हुए हैं, और भार्गवी के भी सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, और इनके भी सारे दोस्त लोग आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वहाँ यहाँ मुंबई में उतने नहीं हैं, यहाँ पे ज़्यादातर उनके सारे दोस्त लोग ही हैं। ये देखिए तक्षु की एंट्री हो रही है, तो ये हमने खुद ही ये गाड़ी लिया हुआ था, हमने हायर नहीं किया है। तक्षु के पास एक खुद ही गाड़ी इसके पापा ने इसके लिए लाया हुआ था, तो मैंने बोला उस पर थोड़ा बलून वगैरह डेकोरेट करके हम उसमें उसकी एंट्री कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं घर कितना छोटा है, तो उसमें तो भी हमने खूब अच्छे से किया अपने बच्चे का। सभी ने बोला बहुत अच्छा किया बर्थडे पार्टी। और ये देखिए लास्ट मोमेंट में हमने बर्थडे पार्टी सर हम लोग करने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे लड़के का दूसरा बर्थडे है तो भी करना ही है आपको, नहीं कुछ तो बच्चे लोग बोला, लेकिन फिर जानते ही मन बढ़ जाता है और फिर हाँ चलो फिर सबको इन्वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए तक्षु की मैं आरती उतार रही हूँ फ्रेंड्स, और ऐसा आप देख सकते हैं पीछे बैक में कैसा मैंने हम लोग ने डेकोरेशन करवाया। और साइड में जो है मंदिर है, और इसके बाद जो है हमारे में सबसे पहले आरती टीका कर देते हैं, उसके बाद जो है केक कटवाते। आप लोग में कैसे बर्थडे हो सेलिब्रेट, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितना कंजस्टेड हमारा घर है, फिर भी इतने सारे लोग आए हुए, इतना मज़ा आया सबको, इतना मज़ा आया, सब ने बोला वाह रे वाह कितना मज़ा आया। सब बर्थडे पार्टी तो बड़े हॉल में भी बुक करा दो, उससे मज़ा ज़्यादा तो हमें अपने घर पे ही आता है फ्रेंड्स। तो अपना ये देखिए हमारा तक्षु जो है बर्थडे केक कट करेगा, बर्थडे बॉय जो है बर्थडे केक कट करेगा, और साथ में भार्गवी मैं और ये मेरे हस्बैंड, हम चारों ने मिलकर केक कट करवाया अपने बेटे का। और उसके बाद हम बारी बारी से जो है बच्चे लोग को अपने बेटे को केक खिलाएंगे। तो आप सभी को लोग को पता ही है कि मुंबई जैसे सिटी में घर बड़ा होना काफ़ी मुश्किल होता है, बट जिसके पास पैसे वो तो उनके बड़े घर होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए तो बिल्कुल, तो भी हमने अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया घर पे ही। और ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स है फ्रेंड्स, तो हमने सारे फोटोग्राफ्स जो है मोबाइल से ही निकाले हुए थे फ्रेंड्स। और ये तक्षु का पिक देखिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने जो है ऐसे फोटोग्राफर वगैरह को भी नहीं रखा था, अपना घर पे जो है मोबाइल से ही निकाल लिया फोटोग्राफ। वैसे भी आजकल लोग मोबाइल से ही निकालते हैं,
कौन बुलाने जाएगा। तो बस हम लोग ने भी ऐसे ही कर लिया। तो बस अब देख सकते हैं, हमने भार्गवी ने इसके पापा ने सब मिलके फोटो वोटो खिंचवा लिया है, और बहुत सारे लोग गेस्ट आए हुए थे, लेकिन सबको दिखा पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप लोग समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जब बर्थडे केक कटता है ना तो सब एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी से आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मुंबई का घर कितना छोटा होता है। तो यहाँ सब जो है टाइमिंग फिक्स रहता है कि 7 to 10 आपको आने का, उस बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। और ये देखिए, हमने खाना पीना रखा हुआ था, तो हमने बाहर ही स्टॉल लगाया हुआ था खाने पीने में, तो हमने पाव भाजी रखा था और तवा पुलाव रखा था, और साथ में रायता और गुलाब जामुन और केक, ये सारी चीज़ें जो है खाने को के लिए हमने रखा था। तो ये बाहर ही हमने स्टॉल लगाया हुआ था, और हमारे पड़ोसी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, तो सब ने मिलकर मेरे बच्चे का बर्थडे जो है बहुत अच्छे से मनाया फ्रेंड्स, और सबको भी खाना भी बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं घर कितना छोटा छोटा है सबका यहाँ मुंबई में, हमारे मतलब इस SRA बिल्डिंग में। तो ये देखिए, बच्चे लोग को हम लोग ने बिठा दिया था, क्योंकि बच्चे लोग हैं जो गिराएंगे फड़ाएंगे खाना, इससे अच्छा कि अब सब बच्चे लोग को बोला गया बैठ के खाओ। ये देखिए भार्गवी, देखिए श्रेयस से बात कर रहा है, तो ये मेरी मामी का जो है लड़का है, और देखिए यहाँ ये मेरी मामी की लड़की है, ये भी मुंबई में रहती हैं, ये आई हुई थी बर्थडे में, और बस जो है फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लगा मेरा ये बर्थडे पार्टी मुंबई के एक छोटे से घर में, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, कैसा आप लोग को लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और आप लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन।